हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स में पुरस्कार देखेंगे और ये पद्म पुरस्कार जो अभी हाल ही में दिया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो जितने भी पुरस्कार हैं मैं एक एक करके सारे बता दूंगा, क्योंकि यह हाल ही में पूछा गया है इसलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। ठीक है, और इससे आपका आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि वर्ष 2022 में 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें से 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री है। ठीक है, यानी पद्म विभूषण की संख्या कितनी है तो 4 है, पद्म भूषण की संख्या कितनी है तो 17 है और पद्मश्री की संख्या कितनी है तो 107 है। चलिए हम लोग अब देखते थे कि पद्म विभूषण किनको किनको मिला है। तो 2022 के पद्म भूषण विजेता हैं जो 4 लोग, उनको हम देख लेंगे। तो ये है प्रभा अत्रे, ये इनको किसके लिए दिया गया है तो कला के क्षेत्र के लिए दिया गया है। दूसरा है जनरल बिपिन रावत, ये सिविल सेवा से थे, ये CDS थे और इनको मरणोपरांत दिया गया है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि इनको मरणोपरांत दिया गया है। और CDS जो जनरल बिपिन रावत थे, इनकी एक हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कल्याण सिंह। ये कल्याण सिंह क्या है, कौन है, ये उत्तर प्रदेश के CM भी रह चुके हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और इनको भी सार्वजनिक मामले के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। और हमारे अगले हैं राधे श्याम खेमका, इनको किसके लिए दिया गया है तो साहित्य एवं शिक्षा के लिए और इनको भी दिया गया है मरणोपरांत। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पद्म भूषण पुरस्कार विजेता, यानी कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पद्म विभूषण है, विभूषण के बाद तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है और पहला कौन सा है, पहला नागरिक सम्मान हमारा भारत रत्न है। ठीक है, तो 2022 में पद्म भूषण किसको दिया गया तो 17 लोगों को दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण पद्म भूषण प्राप्तकर्ता हैं उनको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि 17 हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चन बन सकता है बस हम उन्हीं को देखेंगे। तो सबसे पहला है गुलाम नबी आज़ाद जो हैं, ये 2014 से 2021 तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। तो इनको क्या मिला है, इनको मिला है पद्म भूषण। ठीक है, फिर गुरमीत बाबा इनको मरणोपरांत मिला है और ये कौन है तो ये पंजाबी लोक गायिका हैं। ठीक है, यानी ये महिला हैं, याद रखिएगा ये महिला हैं। और नेक्स्ट है हमारा बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये कौन है तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को क्या मिला था तो पद्म विभूषण मिला था, और बुद्धदेव भट्टाचार्य जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं इनको क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। फिर हमारे नेक्स्ट हैं नटराजन चंद्रशेखरन, ये कौन है तो ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री के हैं और टाटा सन्स के चेयरमैन, तो इनको भी क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला, ये कौन है तो ये भारत बायोटेक कंपनी के संस्थापक हैं, चेयरमैन और MD भी हैं, तो इन लोगों को भी मिला है क्या, पद्म भूषण। और ये हैं मधुर जाफरी, ये अभिनेत्री हैं तो इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। और नेक्स्ट है देवेंद्र झाझरिया, को अगर पूछेगा कि पद्म भूषण की तो इनका नाम जरूर पूछ सकता है, तो ये हम ऐसा याद रखिए देवेंद्र झाझरिया, ये कौन है तो ये 2004 और 2016 में स्वर्ण पदक और 2020 में पैरा ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल पाया है, तो इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 2004-2016 में स्वर्ण पदक और 2020 के पैरा ओलंपिक खेल में सिल्वर मेडल पाए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है राजीव महर्षि, ये सिविल सर्विस से संबंधित हैं और भारत के 13वें कैग रहे हैं। ठीक है, CAG भी रहे हैं ये राजीव महर्षि, तो इनको भी मिला है। और नेक्स्ट है हमारा सत्या नंडेला, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सत्या नंडेला ये कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। ठीक है, तो इनको भी मिला है पद्म भूषण पुरस्कार, तो इनका भी नाम पूछ सकता है। दूसरे हैं सुंदर पिचाई, ये क्या है, ये गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO हैं। और साइरस पूनावाला, ये तो मतलब समझ ले कि ये तो अभी इनका तो जरूर नाम आएगा, अगर इनका भी पूछ सकता है, क्योंकि ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। जब कोविड चल रहा था और कोविड वैक्सीन की खोज रही थी तो इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है
कोविड वैक्सीन को बनाने में सीरम पूनावाला का, तो इनका नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा उन 17 लोगों में, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण पद्मश्री प्राप्तकर्ता हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहले हैं सुमित अंतिल, इनका नाम है। दूसरे हैं प्रमोद भगत। तीसरे हैं नीरज चोपड़ा, इनका नाम जरूर याद रखिए, नीरज चोपड़ा। ये वही नीरज चोपड़ा है जो भाला फेंक ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेकर आए थे भारत के लिए, ठीक है। और ये है अवनी लेखारा कौन है, ये पैरा ओलंपिक खेल से संबंधित है और इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। वंदना कटारिया, ये महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। फिर शंकर नारायण मेनन चुंडाइल, ये क्या है, कलारीपट्टम स्वदेशी मार्शल आर्ट के परफॉर्मर हैं, ठीक है, इनको भी मिला है। फिर है फैजल अली डार, जम्मू और कश्मीर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियन भी हैं। और ब्रह्मानंद सांख वलकर, ये कौन है, फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं, तो इनको भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण पद्मश्री पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बैठ जरूर मिलेगा करंट अफेयर में, तो इसको आप लोग उन्हीं लोगों को बताया गया है इस वीडियो में जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है, जैसे कि साइरस पूनावाला थे, नीरज चोपड़ा थे, अवनी लेखारा थी, देवेंद्र झाझरिया थे, सुंदर पिचाई थे, सत्या नंडेला थे, इनको तो आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं से पूछेगा। अगर पद्म विभूषण से पूछेगा तो पूछ लेगा कि मरणोपरांत जो अभी हाल ही में कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण, तो वो हैं CDS जनरल बिपिन रावत और आपके थे कल्याण सिंह, ठीक। और पद्म भूषण में आपका सुंदर पिचाई और इस तरीके के लोग जो इम्पोर्टेंट है, जो हाल ही में भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उनका सत्या नंडेला का पूछ सकता है, देवेंद्र झाझरिया का पूछ सकता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों का पूछ सकता है। तो आप लोग ऐसे लोगों को एक कॉपी में नोट करके इम्पोर्टेंट लोगों का और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।